गाजर डाला था ये जो हल्का हल्का ऑरेंज कलर, वो देखने में ज्यादा अच्छा लग रहा है वो खाने में भी। हाँ बहुत ज्यादा फ्लेवरफुल है, एकदम सॉफ्ट है, एकदम जाली जमाइनी ब्लॉक। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। इधर मैंने दो ऑरेंज ले लिया। सबसे पहले तो ऑरेंज का मैं जूस निकाल लूँगी। आज मैं ऑरेंज केक बनाने वाली हूँ, तो पहले दोनों का काट के जूस निकाल लेते हैं। तो इधर मैंने एक कटोरी से कम थोड़ा सूजी ले लिया। सूजी मैंने थोड़े मोटे वाले हैं, तो पहले मैं दो जो ऑरेंज का मैंने जूस निकाला, एक कटोरी से ज़्यादा हुआ है, पहले मैं जूस दे के सूजी को थोड़ा सा सोक करने के लिए रख दूंगी। सूजी में कैसा ज़्यादा टाइम लगता है सोक करने के लिए, पहले उसको घी में रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। सूजी अच्छे से सॉफ्ट हो गया, 10 मिनट से ज़्यादा हो गया, इसको थोड़ा सा मैश कर लेंगे। मैश मीन्स थोड़ा सा एक सेकंड के लिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इससे सूजी ना एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, हल्का भी हो जाएगा। इसके बाद हम थोड़े से मैदा ऐड करेंगे। तो अच्छे से मिक्स कर लिया, अब इसमें डाल देंगे पीसी हुई चीनी। चीनी मैंने घर भी पीस लिया, एक कटोरी मैंने ये डाला, क्या बोलते हैं, सूजी डाला, वो हिसाब से मीठा ऐड कर रही हूँ। चीनी डाल दिया, इसमें डाल देंगे आधा कटोरी जितना मैदा। जितना मैंने सूजी लिया उससे थोड़ी कम मैंने मैदा लूंगी, थोड़ा ज्यादा हो गया, उठा लेती हूँ। आधा कटोरी जितना मैदा लिया, पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें वेजिटेबल ऑयल ऐड करेंगे। आधा कटोरी से कम थोड़ा सा, मतलब थर्ड फोर्थ कप जितना ऑयल ऐड करेंगे। ये मैंने राइस ब्रांड ऑयल यूज़ किया, अभी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें अगर ज़रूरत है थोड़ा सा जूस मेरे पास है, थोड़ा थोड़ा करके जूस ऐड करेंगे, एकदम से ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, वो मैं बाद में ऐड करूँगी। तो इसमें थोड़ी सी नमक एक चिमटी ऐड कर दूँगी। अभी एक ही डायरेक्शन से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, कम से कम 3 से 4 मिनट तक, हल्के हाथ से, ज़्यादा दबा के नहीं। तो इसको मिक्स कर लेते हैं 3 से 4 मिनट। मैंने थोड़ी सी ऑरेंज का स्किन जो है वो मैंने थोड़ा सा घिस लिया, वो डाल देंगे। इधर मैंने एक गाजर को ऐसा ग्रेट करके लिया, ये भी डाल देंगे। इससे ना हमारा केक का कलर और खुशबू दोनों बहुत अच्छा लगेगा, देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, देखने में लग रहा है ना एकदम यामी कलरफुल, खुशबू भी बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा ऑरेंज कैरेट केक क्या मस्त बन रहा है, इसको कच्चा भी खा सकते हैं। कैरेट डाला तो थोड़ा सा ठीक हो गया, इसमें थोड़ी सी और जूस ऐड करेंगे 1 चम्मच जितना। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस पे कुकर को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। तो अच्छे से मिक्स हो गया, इसमें मैं 1/4 कप मैं बेकिंग सोडा डाल रही हूँ और इसमें 1/5 एकदम थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालेंगे, उसका आधा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बर्तन में मैंने थोड़ा सा तेल लगाया, थोड़ा सा मैदा छिड़का लिया, अभी इसमें बर्तन में पूरा ट्रांसफर कर लेंगे। आप अगर नीचे बटर पेपर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। पूरा अच्छे से ट्रांसफर कर लेंगे, पूरा मैंने बर्तन में सेट कर लिया। कुकर भी अच्छे से गर्म हो गया, अभी बर्तन इसमें ट्रांसफर कर देंगे। 30 से 35 से 40 मिनट होने देंगे। रबर और कुकर का सीटी दोनों निकाल लिया, इधर होल था इसलिए मैंने थोड़ा सा आटा लगा के बंद कर दिया। इसको होने देते हैं स्लो गैस पे। 40 मिनट हो गया है, वाव क्या कलर, क्या मस्त हुआ है। इसको टूथपिक से चेक कर लेंगे हुआ है कि नहीं,
कुछ भी नहीं, एकदम क्लीन है केक हो गया। अभी इसको मैं निकाल लूंगी। तो केक कितना अच्छा हुआ है ना, एकदम मस्त। इसको बर्तन में से गैस ऑफ कर देते हैं, 2 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि दोनों चीज़ें गर्म है। पहले मैं नीचे उतार लूँ और एक कुकर से बर्तन को निकाल लेंगे। और कपड़ा एक ढक के रख देंगे 5-7 मिनट के, 10 मिनट के लिए, क्योंकि काफ़ी गर्म है। ठंडा होने के बाद इसको कट करेंगे। केक ठंडा हो गया, बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। मैंने पीछे क्या बोलते हैं बटर पेपर वगैरह कुछ नहीं लगाया, इतना सॉफ्ट है और इतना एकदम स्पॉन्ज जैसा। पर ये थोड़ा गर्म है अभी भी, साइड साइड से थोड़ा आटा लगा हुआ है, इसको थोड़ा झाड़ लेते हैं। क्या मस्त हमारा ऑरेंज कैरेट केक बन के रेडी हो गया, अभी इसको काट लेंगे। हमारा कैरेट ऑरेंज केक बन के रेडी है, एकदम मस्त है, एकदम सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, एकदम जालीदार। हमारे आयुष मजीदार हाँ कर रहे। बहुत टेस्टी है, खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छा है। दोपहर का हमेशा मैं चूस कर खाऊंगी। और मैंने जो कैरेट डाला था ना, जो गाजर डाला था ना, ये जो हल्का हल्का ऑरेंज कलर, वो देखने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वो खाने में भी हाँ बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल है, एकदम सॉफ्ट है, एकदम जाली जाली। रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लग रहा है। आज के लिए बाय, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।